फिल्म को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक बेल आइकन का बटन आएगा, उसे जरूर दबाएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि हमारी सारी फिल्में आप तक आसानी से पहुंचती रहें। तुम शराब पीना छोड़ दो, तुम मेरी जिंदगी में आ जाओ तो पीना भी छोड़ दूंगा। मैं तो तुम्हारी जिंदगी में कब से हूँ। अरे अरे, लगता है कांच का बल्ब टूट गया है। कांच नहीं, किसी का दिल टूटा है। कौन बोल रहा है? मैं आनंदी हूँ। मिस्टर कुमार, इसमें हम दोनों का कैरियर शुरू हो जाएगा। मैडम, फिल्म शुरू करा दीजिएगी, इसमें हम दोनों का कैरियर शुरू हो जाएगा। सरिता ठीक कह रही है। आप मेरे लिए मुंबई में काम करिए, मैं आप तरह की हर तरह से मदद करूंगी एज अ फाइनेंसर। ओके, ठीक कहती है मैडम। ओके, सर मिस्टर रवि को फोन कीजिए, पूछिए कब तक फिल्म शुरू करें। हेलो हेलो रवि जी। हाँ बोल, क्या हाल है? ठीक हूँ। कब तक फिल्म शुरू करने का प्लान है? बार बार फोन मत कर, पैसा पड़ा है क्या जो फिल्म शुरू करो? चूतिया कहीं। सर सर, रवि 2 महीने से आपको बेवकूफ बना रहा है, यूं ही घुमा रहा है। हाँ, हाँ। फिल्म के नाम के बेवकूफ बनाते जा रहा है, और आप विश्वास करते जा रहे हैं, उस पे भरोसा करते जा रहे हैं। फिल्म लाइन में धैर्य रखा करो, फिल्म लाइन बहुत कठिन लाइन है और पैसों की समस्या। मुझे विश्वास है कि रवि जरूर फिल्म को फाइनेंस करेगा और हम फिल्म को जल्दी शुरू करेंगे। आइए चलिए, हम आपको घुमा लाते हैं। चलो चलो घुमा के लाते, जुहू चौपाटी में। रवि रवि, मेरे पास आओ रवि, मैं अंधेरों में भटक रही हूँ। रवि मेरे पास आओ रवि। रवि मेरे पास आओ रवि। रवि मेरे पास आओ रवि। मेरे पास आओ रवि। रवि रवि, मैं अकेली दुनिया में भटक रही हूँ। रवि मेरे पास आओ। रवि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपने साथ लेने आई हूँ। रवि मैं अकेली दुनिया में भटक रही हूँ, मेरे पास आओ। रवि मैं तुम्हें अपने साथ लेने आई हूँ। रवि रवि मेरे पास आओ। रवि रवि मेरे पास आओ, मैं अंधेरे दुनिया में भटक रही हूँ। रवि मेरे पास आओ। रवि रवि मेरे पास आओ, मैं यहाँ अकेली अंधेरी दुनिया में अकेले भटक रही हूँ, मेरे पास आओ। आओ रवि,
आओ। आनंदी कहाँ हो? मैं आ रहा हूं। आनंदी आनंदी मारकर चैन की नींद सो रहा है? आराम से सो रहे हो और मैं अंधेरी खाई में भटक रही हूं। अंधेरों में मेरी आत्मा तड़प रही है। कहां हो तुम? तुम यहां चैन से आराम से सो रहे हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आनंदी, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। मैं आ रहा हूं आनंदी। आओ रवि, आओ रवि, मेरे पास आओ। आनंदी, मेरे पास आओ रवि। वो मुझे बुला रही है। मेरे साथ चलो, मेरे पास आओ। वो बुला रही है। मेरे पास आओ रवि, आओ रवि, आओ। अरे इतनी रात में कहाँ जा रहे हो रवि? वो मुझे बुला रही है। आओ रवि, आओ, आओ रवि, होश में आओ रवि। आनंदी तुम्हें कैसे बुला सकती है? वो तो मर चुकी है। आओ रवि, आओ, आओ रवि। वो खड़ी है। हाँ? आओ रवि, आओ रवि, आओ, आओ रवि। वहाँ कोई नहीं है। रवि आओ, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। आओ रवि, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। रवि, यहाँ तो कोई नहीं है। आनंदी मुझे बुला रही है। मुझे आनंदी के पास जाने दो। आनंदी मुझे बुला रही है। आनंदी मुझे बुला रही है। सर आप यहाँ जल्दी चले आइए, रवि पागलों जैसे हरकतें कर रहा है। जल्दी आ जाओ। ओके। मुझे बुला रही है आनंदी, मुझे बुला रही है। कहाँ बुला रही है आनंदी तुम्हें? मुझे आनंदी के पास जाने दो। आनंदी मुझे बुला रही है। कहाँ है आनंदी? वहाँ तो कोई भी नहीं। लेकिन वहाँ तो कोई नहीं है। वो खिड़की के पास खड़ी है। मेरे पास आओ रवि। आनंदी मुझे बुला रही है। मैं अंधेरी दुनिया में अकेली हूँ। मुझे आनंदी के पास जाने दो। आओ रवि, आओ, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती। वो मुझे बुला रही है। आओ रवि, मेरे पास आओ। नहीं, वो खड़ी है। वो मुझे बुला रही है। रवि, मेरी दुनिया में आ जाओ। मुझे जाने दो। अरे बाप रे, अंधा है क्या? ऊपर चढ़े आ रहा है। आनंदी की प्रेत आत्मा। रवि सच कह रहा है, आनंदी की प्रेत आत्मा यहाँ है। हाँ, आनंदी की प्रेत आत्मा उसको अपनी दुनिया में लाना चाहती है। हमें उसे बचाना होगा। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तू इंसानों का ही नहीं, भूत प्रेतों का भी परमेश्वर है। तू आनंदी की प्रेत आत्मा से रवि को बचाओ। प्रेत आत्माएं भी तेरी बात को मानती हैं। मैं तेरे नाम से आनंदी की प्रेत आत्मा को आदेश देता हूँ कि वो यहाँ से रवि के घर से चली जाए। आमीन। रवि,
ये प्रभु यीशु मसीह का क्रॉस है। प्रभु यीशु मसीह के क्रॉस के डर से आनंदी का आत्मा तुम्हारे पास नहीं आएगी। तो चुड़ैल हो गई है सर। ये क्या कह रहे हैं आप? सर ये सच कह रहा है, आनंदी की आत्मा रवि के पास आई थी, उसी ने काजल पे हमला किया है। ये काजल कौन? रवि की गर्लफ्रेंड। सर आपको भी आनंदी की आत्मा से खतरा है। आनंदी की मौत आतृप्त और बदले की भावना के बीच में हुई और उसकी भावना गुस्सा और एक्शन के साथ दुख था और अपने बॉयफ्रेंड के साथ धोखे का बदला लेने का इरादा था, इसलिए उसकी आत्मा अतृप्त योनि में चली गई और प्रेत आत्मा बन गई। और ये सही है कि वो रवि से बदला लेने के लिए रवि के ऊपर आक्रमण कर सकती है, रवि को मार भी सकती है, इसलिए हमें आनंदी की प्रेत आत्मा को शांत करना पड़ेगा।